हेलो स्टूडेंट, आज क्लास सिक्स चैप्टर वन के बारे में कल कुछ डिस्कशन किए थे। आज फिर से जो है चैप्टर वन को ही देखते हैं, जिसमें फूड के बारे में देखना है, यानी कि फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, इसके बारे में देखना है। तो इसमें देखना है फूड वैरायटी। फूड वैरायटी आप जानते हैं कि हम लोग जो भी भोजन खाते हैं, अलग अलग प्रकार के भोजन खाते हैं, जैसे दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, चावल खाते हैं। आपके फ्रेंड्स यदि दूसरे जगह दूसरे कंट्री में, दूसरे स्टेट में हो, उनसे यदि आप पता करें तो वो क्या खाते हैं, तो उनसे भी आपको पता चलेगा फूड वैरायटी के बारे में। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ। हम जो भी भोजन खाते हैं, अलग अलग प्रांत में रहते हैं, फूड का जो अलग अलग वैरायटी है, लेकिन ये क्वेश्चन जो इसमें क्वेश्चन लिखे हैं कि इसका व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ, ये फूड आखिर बना कैसे है, फूड बना कैसे है। तो जैसे हम लोग जो है चावल की बात करते हैं, भात जो हम लोग खाते हैं, रोटी जो खाते हैं, दाल खाते हैं, विशेष वेजिटेबल खाते हैं, तो जैसे हम चावल की बात करते हैं, तो चावल को बनाने के लिए फूड में हम लोग जो है चावल की बात करते हैं, दाल की बात करते हैं, रोटी की बात करते हैं, चावल को बनाने के लिए हमको जो है रॉ मटेरियल चाहिए। चावल को बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल, मटेरियल क्या होता है, आपको कच्ची सामग्री। जैसे चावल को पकाने के लिए आपको पानी और चावल की जरूरत होती है, दाल को पकाने के लिए पानी, पल्सेज, ऑयल, स्पाइसेज, ये सब चाहिए। तो रॉ मटेरियल कच्ची सामग्री, फूड बनाने के लिए कच्ची सामग्री जिसकी जरूरत होती है उसको रॉ मटेरियल कहते हैं, उसी को इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। तो जो भी हम लोग फूड खाते हैं, सारे फूड का रॉ मटेरियल यानी कि इंग्रेडिएंट्स अलग अलग होते हैं, ये आप पता कर सकते हैं। आप घर में ही पता कीजिए, आप दिन भर में क्या खाते हैं, जो भी खाते हैं उसका एक लिस्ट बनाइए, उसमें जो है ना फूड आइटम के बारे में लिखिए, और अगले कॉलम में इंग्रेडिएंट्स यानी कि रॉ मटेरियल के बारे में लिखिए, आपको पता चल जाएगा। सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, जैसे हम लोग जो है चावल बनाते हैं उसमें भी पानी डालते हैं, दाल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, पानी डालते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स ये जो है ना जैसे कॉमन हो गया, तो कुछ इंग्रेडिएंट्स जो है ना ढेर सारे फूड में कॉमन होते हैं। वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, अब इसकी हम बात करते हैं कि फूड जो हम लोग खाते हैं उसमें अलग अलग प्रकार का इंग्रेडिएंट्स यानी कि रॉ मटेरियल का यूज करते हैं। अब ये रॉ मटेरियल, ये कच्चे पदार्थ, चावल, गेहूँ, आटा, दाल, पल्सेज, ये कहाँ से आते हैं, तो ये सब कहाँ से आते हैं, पता है आप लोग को कि चावल कहाँ से आता है, दाल कहाँ से आता है, वेजिटेबल कहाँ से आता है, तो ये सब के सब जो है प्लांट से आते हैं। चलिए इसी में जो है ना अगला पॉइंट देखते हैं, फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। चूंकि ये क्वेश्चन आ गया कि वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, तो हम लोग जो है फूड में जो भी इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हैं वो आता कहाँ से है, उसकी चर्चा जो है अगले पॉइंट में कर रहे हैं। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, फूड मटेरियल और सोर्सेज, इसका क्या है सोर्स, क्वेश्चन इसमें सबसे पहले देखते हैं कि फूड मटेरियल्स वेयर डू दे कम फ्रॉम, फूड मटेरियल कहाँ से आता है, इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आता है। जो भी इंग्रेडिएंट्स यानी कि रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ जिसका हम यूज करते हैं, उस सब के सब आपको कोर्स कहाँ से आता है, प्लांट से, प्लांट ऑफ कोर्स। इसका आंसर फूड मटेरियल्स वेयर डू दे कम फ्रॉम, फूड मटेरियल, इंग्रेडिएंट्स, रॉ मटेरियल, ये सब आता कहाँ से है, तो कहाँ से आता है, ये 100% कहाँ से आता है, प्लांट से आता है, प्लांट ऑफ कोर्स।
व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस एंड व्हीट, प्लांट से आता है तो ये राइस या व्हीट की हम चर्चा कर रहे हैं कि ये कहाँ से आता है, इसका सोर्स क्या है। तो हम लोग जो है ना अपने यहाँ इंडिया में खेती करते हैं, हम लोग धान की खेती करते हैं, फील्ड में जो है ना क्या करते हैं, धान लगाते हैं, गेहूँ की खेती करते हैं, तो वहाँ से हमको चावल मिलता है, गेहूँ मिलता है, दाल की खेती करते हैं, वेजिटेबल की खेती करते हैं, वहाँ से सब्जी मिलता है, वहाँ से दाल मिलता है, तो सब की खेती करते हैं, वहाँ से हम लोग को मिल जाता है। फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स, मीट, चिकन, फिश, व्हिच कम फ्रॉम एनिमल्स, कुछ फूड आइटम्स जो कि हमको प्लांट से मिला, और कुछ फूड आइटम्स जो है हमको एनिमल से मिलता है। जैसे एनिमल से क्या मिलता है आपको, गाय, भैंस, बकरी से दूध, मुर्गी से एग्स, मीट मिलता है, एनिमल से चिकन, फिश, ये सब जो एनिमल्स मिलते हैं, तो ये सब भी जो है आपको फूड आइटम है, मिल्क, एग, मीट, चिकन, फिश, जो कि आपको एनिमल से मिलता है। वी कंक्लूड दैट प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। एनिमल्स प्रोवाइड्स अस विथ मिल्क, मीट प्रोवाइड्स प्रोडक्ट्स, मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स और एग्स, यानी कि फूड आइटम्स या तो हमको डायरेक्ट प्लांट से मिलता है या इनडायरेक्टली एनिमल से मिलता है। एनिमल भी जो है आपको प्लांट को खाता है, एनिमल भी प्लांट को खाता है, और उस एनिमल से हमको फूड मिलता है। जैसे कि मिल्क, मिल्क की बात करते हैं, गाय, भैंस, बकरी घास खाता है और हमको बदले में दूध देता है। दूध से हम जो है ना दही भी बना सकते हैं, पनीर बनाते हैं, घी बनाते हैं, तो ये सब जो है ना फूड आइटम है। चिकन भी मिलता है, फिश भी मिलता है, ये फूड आइटम जो है आपको एनिमल से मिलता है। अगला पॉइंट देखते हैं, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एंड फूड। इसमें देखना है प्लांट पार्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट पार्ट्स, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसका हम लोग जो है ना फूड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे साग सब्जी जिसका पत्ता हम लोग खाते हैं, उसका लीफ खाते हैं। कुछ ऐसे पौधे हैं जिसके फल को हम लोग खाते हैं, फूल को भी खाते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जिसके रूट्स को खाते हैं, स्टेम को खाते हैं, फ्लावर खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, तो ये फूड आइटम जो है ना आपको प्लांट से मिलता है। कुछ प्लांट ऐसे हैं आपको जो है ना इसी में एक से ज्यादा, सम प्लांट्स हैव टू और मोर एनिमल पार्ट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं उसके दो या दो से अधिक पार्ट को हम लोग खाते हैं। तो फूड इनडायरेक्टली फूड जो है हमको प्लांट से ही मिलता है, प्लांट के रूट को खाते हैं, रूट को खाते हैं, स्टीम को खाते हैं, फ्लावर को खाते हैं, और किसी किसी प्लांट के दो या दो से अधिक पार्ट को खाते हैं। और फूड जो है हम लोग को एनिमल से भी, इनडायरेक्टली एनिमल से भी मिलता है। आज हम लोग 1.3 तक, यानी कि प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल पार्ट्स तक चर्चा किए। इसके आगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में।